अल फराबी का पूरा नाम अबू नस्र मोहम्मद अल फराबी था। अल फराबी का जन्म आधुनिक कजाकिस्तान के फराब क्षेत्र के वेस दिस शहर में सन 870 से 872 के बीच में हुआ था। अल फराबी इस्लामिक स्वर्ण युग के शुरुआती इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक थे, जिन्होंने प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों को मुस्लिम दुनिया में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अविसेना के बाद इस्लामी दार्शनिक पर फराबी का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अल फराबी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फराब और बुखारा में पूरी की। बाद में उच्च अध्ययन के लिए बगदाद चले गए, जहां उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया और काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई भाषाओं के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में महारत हासिल की। अल फराबी ने विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा, गणित और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनका प्रमुख योगदान दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और समाजशास्त्र था। एक दार्शनिक के रूप में फराबी धर्मशास्त्र से दर्शन को अलग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मध्य युग के बाद से मुस्लिम और ईसाई दोनों दुनिया में एक ऐसे दार्शनिक को ढूंढना मुश्किल है जो उनके विचारों से प्रभावित नहीं हुआ हो। उन्होंने किसी भी इस्लामी दार्शनिक की तुलना में राजनीतिक सिद्धांत पर काफ़ी अध्ययन किया। बाद में अपने काम में फराबी ने टेल्टोटोनिक फैशन में शासक के लिए आवश्यक गुण निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि एक शासक को देसी चरित्र के लिए एक अच्छे गुण द्वारा शासन करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और ऐसे शासन के लिए सही रवैया रखना चाहिए। अल फराबी के ज्ञान के वर्गीकरण का सबसे अच्छा स्रोत उसकी किताब हिसा अल उलम है। अल फराबी ने शुरुआती मुस्लिम समाज शास्त्र पर किताब लिखने में भी भाग लिया और किताब अल मुसीका नामक संगीत पर एक उल्लेखनीय किताब लिखी। यह पुस्तक वास्तव में उस समय के फारसी संगीत के सिद्धांत का अध्ययन है। हालांकि पश्चिम में इसे अरब संगीत पर एक पुस्तक के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने संगीत नोटों को ज्ञान में योगदान देने के अलावा कई संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। उनके बारे में यह बताया जाता है कि वो अपने वाद्य यंत्रों को इतनी अच्छी तरह से बजा सकते थे कि लोगों को अपनी मर्जी से हंसा सके या रुला सके। फराबी का ग्रंथ मीनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट संगीत चिकित्सा से संबंधित है, जहां उन्होंने आत्मा पर संगीत के उपचारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। उन्हें तर्क को दो अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है, पहला विचार और दूसरा प्रमाण। अल फराबी की किताब ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द आइडियल सिटी सपनों की व्याख्या और सपनों की प्रकृति और कारणों के बीच अंतर करने वाली पहली किताब थी। अल फराबी ने अपने पूरे जीवन में कई दूसरे देशों की यात्रा की और कई अनुभव प्राप्त किए। परिणाम स्वरूप उन्होंने कई योगदान दिए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने पूरे समर्पण के साथ काम किया और इतिहास के लोकप्रिय वैज्ञानिक और दार्शनिक में अपना नाम बनाया। अल फराबी की मृत्यु दमिश्क में सन 950 में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कजाकिस्तान की मुद्रा पर अल फराबी की तस्वीर भी है।